आज मैं बेसन की बर्फी बनाने वाली हूँ, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स से और बहुत ही कम खर्च में ये बर्फी बनकर तैयार हो जाती है। ये बर्फी का टेस्ट बिल्कुल मार्केट की बर्फी जैसी लगती है खाने में। आप इसे जब बनाकर खाओगे तो आप यकीन नहीं कर पाओगे कि आपने इसे घर पे इतनी आसान तरीकों से बनाया है। तो फिर देर किस बात की, चलिए फटाफट बर्फी बनाना शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं गुंजा वर्मा आपका स्वागत करती हूँ आइडियल किचन में। बेसन की बर्फी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप बेसन लिया है, 1/3 कप सूजी लिया है। सूजी हमें एकदम बारीक वाली चाहिए। अगर आपके पास थोड़ी मोटी वाली सूजी है तो कोई बात नहीं, आप उसे एक बार मिक्सर ग्राइंडर में चला लें, उसके बाद ही यूज करें। अब मैं गैस की तरफ आती हूँ और एक कढ़ाई लेंगे, फिर इसमें डालेंगे बेसन। बेसन को हमें रोस्ट करना है मीडियम फ्लेम पे, वो भी बिना तेल और घी के। बेसन को हमें 3 से 4 मिनट तक इसी तरह रोस्ट करना है मीडियम फ्लेम पे। बेसन को 4 मिनट तक भुनने के बाद ये देखिए इसका कलर कितना लाइट हो गया है। तो अब मैं इसमें सूजी ऐड कर देती हूँ और इसे भी भूनेंगे बेसन के साथ ही। इसे हमें तब तक भूनना है जब तक कि इसमें से अच्छी सी खुशबू आना शुरू ना हो जाए। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ग्रेट किया हुआ सूखा नारियल और इसे भी मिक्स कर लेते हैं बेसन और सूजी के साथ ही। लगभग 5 से 6 मिनट तक भूनने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/3 कप घी। अगर आप चाहें तो इसे रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन घी में बनने से इस बर्फी का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इसे कोशिश करें कि घी में ही बनाएं। इस बर्फी को बनाने में ना बहुत ही कम मेहनत लगती है और इसे बनाने में ना ही हमें मिल्क पाउडर चाहिए, ना ही मावा चाहिए और ना ही इसमें हमें चाशनी बनाने की ज़रूरत है। और ये लीजिए, बातों ही बातों में मेरा बेसन बहुत अच्छी तरह से भुना गया है और ये देखिए इसका टेक्सचर। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/3 कप चीनी और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, कम या ज़्यादा। मैं यहाँ पर थोड़ा कम मिठाई से बना रही हूँ, इसलिए मैंने 1/3 कप चीनी ही लिया है। फिर इसमें ऐड करेंगे 1 कप दूध और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। एक बात का आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ हमें पूरा कुकिंग मीडियम टू लो फ्लेम पे ही करना है। अब मैं इसमें एक चीज़ और ऐड कर रही हूँ, वो है थोड़ा सा रोस्टेड पीनट, जिसे मैंने दरदरा पीस लिया था, और इसे भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। जैसे जैसे इसकी भुनाई होती जाएगी ना, ये कढ़ाई को बिल्कुल छोड़ देगी और ये देखिए इसका टेक्सचर एकदम ये डो के फॉर्म में आ गया है। एंड लास्ट में एक चीज़ और ऐड कर रही हूँ, वो है 1 छोटी चम्मच इलायची पाउडर और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर आपको इलायची का फ्लेवर पसंद है तो इसे ज़रूर डालें, अगर नहीं पसंद है तो स्किप कर दें, लेकिन इलायची पाउडर डालने से ना बर्फी का टेस्ट 2 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। लगभग 10 से 12 मिनट लगे हैं हमें इसे तैयार करने में और ये देखिए हमारी बर्फी का डो तैयार हो चुका है। तो अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर देती हूँ। अब मैं इसे सेट करने के लिए एक थाली ले रही हूँ, जिसमें डालेंगे थोड़ा सा घी और इसे चारों तरफ अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे। फिर इसमें अपना बेसन वाला डो ट्रांसफ़र कर देंगे और इसे चारों तरफ अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे। इसे हमें अच्छी तरह से एकदम चिकना कर लेना है ताकि इसके ऊपर कोई भी क्रैक्स ना रहे। अब मैं इसे 20 से 25 मिनट तक सेट होने के लिए छोड़ देती हूँ। इसे फ्रिज में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसे आप कहीं पर भी रख दीजिए, ये बहुत ही आसानी से सेट हो जाती है। और ये देखिए 25 मिनट बाद ही ये कितनी अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। तो अब मैं इसे कट कर लेती हूँ। मैं इसे स्क्वायर शेप में कट कर रही हूँ, आप अपने मन चाहे शेप में इसे कट कर सकते हैं। और ये देखिए कितनी आसानी से कट हो रहे हैं। इसे देखकर आपको पता लग ही रहा होगा कि बर्फी कितनी अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। और ये देखिए एक बर्फी मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ, ये देखिए कितनी अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। इसे मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ, ये देखिए कितनी सॉफ्ट है ना, तो बहुत ही टेस्टी बर्फी बनकर तैयार हुई है। इस बर्फी को 15 से 20 दिन तक आराम से फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आप इसे कब ट्राई कर रहे हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।